भाई एक वीडियो डालते हैं लेकिन एक वीडियो से ही उतनी अर्निंग कर लेते जितना मैं 2 महीने में करता हूँ। भाई साहब सिस्टम भाई अपना सिस्टम भाई तो हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी के हमारे नए व्लॉग में। स्वागत ये भी सुबह के 10 बज रहे हैं और यार जैसे ही 10 से 12 दिन होता है हमारा व्लॉग नहीं आता वैसे आप लोग का मैसेज और कॉल्स आना शुरू हो जाता है कि भाई साहब व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है। तो भाई कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है वैसे इस समय सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। 22 से हमारे एग्जाम शुरू है इसलिए व्लॉग नहीं आ रहा था और अभी निकले हैं भाई फ्री हैं आज तो सोचें आज व्लॉग शूट कर लें। मौसम काफ़ी अच्छा है भाई लेकिन धूप काफ़ी तेज है। अभी सुबह 7 बजे आ रहे हैं कुछ छोड़ा है स्कूल और अभी चलते हैं भाई बाहर राहुल भाई के साथ थोड़ा सा मिलते हैं देखते हैं क्या हाल चाल है। तो भाई अभी चल रहे हैं भाई जंगल वाले रास्ते से और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है भाई बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है और ये रास्ता थोड़ा डिफरेंट है भाई उधर से हट के इधर है यहाँ काम वाम चलता है और यहाँ से भाई गेट नंबर 2 आ गया। तो चलते हैं भाई अभी राहुल भाई की शॉप पे। भाई अभी हम आ गए गेट पे। ये अपने राहुल भाई कैसे हो भैया भाई फैंटास्टिंग भाई देखो कूलर वगैरह लगा के जलवे से बैठे हैं भाई सबसे आराम की लाइफ इंडी के भाई पैसा छापते हैं डेली भाई करोड़ों रुपए। यार तुम्हारे जैसे दोस्त जो आते हैं उनके पता करता हूँ भाई खर्च करेंगे आज लग रहा है। तो भाई ये सब जो है इनके सिस्टम जो है भाई 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं 3 से 4 यूट्यूब चैनल है भाई इनके अर्निंग भाई लाखों करोड़ों में है भाई। भाई इनके बिजनेस भाई पूछो मत यार क्या क्या बिजनेस नहीं है इनके पास भाई लाखों की अर्निंग भाई गजब अर्निंग है भाई इनके पास इतना पैसा कमा के भाई ऊंचा कोई बंदा ही ऑनलाइन अर्निंग नहीं करता होगा भाई क्या करते हैं इतना पैसा। भाई 1 नंबर से लेकर 2 नंबर काम भाई इनके पास है हर काम नंबर का और 3 से 4 यूट्यूब चैनल भाई लाखों में कमाई भाई एक नंबर तो सही था लेकिन 2 नंबर का कौन सा काम बता रहे 2 नंबर बाप बताया भाई क्या काम है भाई देख सकते हैं इनकी शॉप कितनी तगड़ी दुकान है भाई सेटअप इतना 1 नंबर बना के रखे हैं भैया अपने भाई कॉपीराइट आ जाए। तो निर्भय आज का प्लान क्या है हमारा आज का प्लान भैया कुछ नहीं बस 3-4 लोग का मैसेज आ गया भाई व्लॉग नहीं आ रहा तो बस चले आए ऐसे ही व्लॉग करने। लेकिन वाकई में तुमने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की है वाकई में काफी तेजी से ग्रोथ किया है और एक हमें साल में एक वीडियो आती है ब्लॉग की भाई एक वीडियो डालते हैं लेकिन एक वीडियो से ही उतनी अर्निंग कर लेते जितना मैं 2 महीने में करता हूँ। कोई बात नहीं तुम एक दिन में इतनी अर्निंग करोगे बोलोगे आओगे पार्टी कहाँ लोगे जरूर 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 सिस्टम भाई अपना सिस्टम कौन सा भाई अरे अलविश यादव भाई सिस्टम है अपना भाई इस समय जो भाई बिग बॉस देख रहे हैं भाई अपने कम्युनिटी से भाई 2 लोग गए हैं फुकरा इंसान एंड सेकंड इज अलविश यादव भाई दोनों को सपोर्ट करना है इन दोनों में से कोई एक जीतना चाहिए बिग बॉस अलविश या तो अलविश भाई या तो फुकरा भाई दोनों में से कोई एक जीतना चाहिए भाई ये अपने भाई भोजपुरी गाने तो भाई अभी अंकल आ गए गाना बंद कराने के लिए अरे यो सलाम भाई तुम्हारी वो झलक तुम मारो बेटा मुक्का भाई अभी सुनो ए ए भाई अभी ऐसा हुआ भाई अभी ऐसा हुआ समोसे वाले अंकल आके इनको बोल के गए गाना बंद कर दीजिए भाई अरे अरे कर दे दो मैं आपको डिटेल भेज देता हूं भाई वो देखो अगर समझ में आता है तो शुरुआत करके वरना कैसे आ रहा हूं सीधा व्हाट्सएप ठीक है व्हाट्सएप पे हाई कर भेज दीजिए आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी और समझ में आता है तो शुरुआत करिए ठीक है सुनिए ना हां बोलिए सुनिए ना सुनाइए ना हेलो हमने उसके बारे में जानते हैं ठीक है ओके ये तो अच्छी बात है बारे में जानते हैं गुड गुड भाई बैठे बैठे बिजनेस शुरू कर दिए 2 लोगों को जोड़ दिए अपने बिजनेस से। भाई देखो बाहर जाम लग गया ट्रैक्टर आ गई जेसीबी आ गया पीछे कार वगैरह लग गई ये भी भोजपुरी गाने चल रहे थे और बगल वाले जो अंकल समोसा बनाते हैं वो भाई आए राहुल भैया डांटने के लिए तो राहुल भैया क्या बोले बताइए मतलब क्या सीन रहता है कि वो जब हम यहाँ पे गाना प्ले करते हैं तो उनका जो है डांस निकल जाता है थोड़ा तेज कह रहे भाई गाना मत प्ले करा करो हमारे समोसे जल जाते हैं हम गाने में बिजी हो जाते हैं उसका तो हमें खो जाते हैं
तो इसीलिए गाने मत प्ले क्या करो जब तक हम यहाँ पर रहे। तो भाई भोजपुरी गानों का रिएक्शन काफी तगड़ा रहता है, देखो बजाना शुरू किए बगल से अंकल आ गए। तुम्हारे वीडियो क्वालिटी अच्छी है यार। तो भाई जब चलते हैं घर, टाइम आ गया है भाई, ये मेरा चश्मा है। धूप काफी तेज है बाहर, तो चलते हैं भाई, अब मिलते हैं फिर। तो अब चलते हैं। वे राहुल भाई कितने छोटे हैं यार हमसे, भाई 6 फुट लंबा आदमी, लाइट की बचत करते हुए भाई। वाह मेरा दिल खुश हो गया, मुझे बस इतना ही चाहिए, क्या खिला रहे हैं आप दुकान में क्या? तो भाई ये अंकल जी की दुकान, यहाँ खाएंगे हम लोग समोसे गरम गरम। भाई दुकान किसी का भी, राहुल भाई जलवा देखो, सीधे समोसे डाले, ओहो समोसा ले लो। दुकानदार कहीं चला गया है, आओ समोसे ले। भाई वो वाले अंकल वहाँ से आ रहे हैं, भाई हम लोग समोसा लूट लिए पहले ही देखो। देख रहे हैं अंकल, ऐसे आपके आते समोसा निकाल लिए। सौ गुड माफ है, वाह भाई समोसे चोरी माफ है। भाई समोसा काफी अच्छा है। और शायद में बुकनू भी है, मजा आए थे फूड ब्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन समोसा ही खा गए हम। समोसा काफी अच्छा है भाई, गेट नंबर 2 पे आ गया, वो ट्राई कर सकते हैं भाई। यहाँ पर सुखराम भाई के पास सबसे सस्ते समोसे मिलते हैं मात्र 3 रुपए का। आप दिखा दीजिए। और ये है सीमा हैदरपति। नहीं अंकल काफी अच्छा समोसा बनाते हैं भाई। सीमा हैदर। तो भाई अभी निकल लिए भाई, मौसम काफी अच्छा है बट धूप काफी तेज है यार। मंदिर एक किनारे से निकालते हैं भाई साहब, पहले यहाँ ब्रेकर एक भी नहीं था, बट जैसे जैसे यहाँ एक्सीडेंट्स बढ़ते गए भाई, ब्रेकर भाई लगता गया नंबर 1 से। सो गई अभी आ गए घर पे, और अभी भाई 11 बज रहे हैं और 12 बजे चलना है भाई आ रहे हैं इनको लाने, गर्मी काफी तेज यार बाहर। सो गाइस अभी आ गए आर्यन स्कूल से, और यार इसके स्कूल में सब लोग जान गए कि आर्यन ब्लॉग बनाता है, क्या बोल रहे सब लोग? सब बोल रहे थे अरे यार आर्यन तुम तो ब्लॉग बनाना शुरू कर। कौन 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 बोल रहा था? हर एक टीचर, हर एक कुछ। कौन कौन टीचर? दिनेश सर। दिनेश सर जानते हैं? आदित्य सर। और रावत सर। और अमृता मैम। हाँ। और गणेश सर। हाँ। सुनीता मैम। क्या बोल रहे सब लोग? सब लोग कह रहे थे कि आर्यन तुम ब्लॉग बनाते हो क्या? हाँ। हम और भैया मिल के ब्लॉग बनाते हैं। हीरो हो गए अपने स्कूल में। देख सकते हैं स्कूल से आने के बाद डेली डांस करता है भाई। सो गाइस सब लोग जान गए आर्यन के स्कूल में भाई ये ब्लॉगर है, ब्लॉगर नंबर 1। और आ गया भाई स्कूल से अभी, और कैसा लगा स्कूल में? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? चलो मन से पढ़ाई करो, ये सब चीजें बाद में करना तुम। और भाई जो भी देख रहे हो, जो भी मेरा व्लॉग देखते हो भाई, यार सबसे यही कहना है आप जो भी करो एकदम मन से करो, पढ़ाई लिखाई करना है पढ़ाई लिखाई करो, चाहे जो करना है बिल्कुल मन से करो, खेलो तो खूब अच्छे से खेलो, और पढ़ाई हो तो पढ़ाई बिल्कुल मन से करो, नंबर 1 आना चाहिए हर जगह। फोर्थ क्या याद कर ले तो, और एक क्वेश्चन करने से मिल जाए आंसर सर वो याद कर लेंगे। ठीक है। सो गाइस अभी चल रही है भाई पढ़ाई आर्यन की, शाम के 7 बज रहे हैं, और गाइस पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है ये, याद कम करता है। सो गाइस आई होप आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, सो टेक केयर, बाय बाय।